तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि आप कैसे अपना सिंपल सा ऐप बना सकते हैं अपनी वेबसाइट का। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं वही मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आपको सीधा प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, आपको मैंने पूरे सीरीज से बता रखा है कि आप कैसे ऐप बना सकते हैं और कैसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये मेरा जो प्रीवियस ऐप है वो सिंपल सा मैंने बना रखा था, वो आपको इंटरफेस दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे एनिमेशन लगा सकते हैं या कैसे इमेज लगा सकते हैं, कैसे अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं और कैसे अपना नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं देख सकते हैं, ये है मेरी ऐप का, जो मेरी वेबसाइट को मैंने अपने ऐप में कन्वर्ट कर रखा है। और अब बात करते हैं इसे कैसे आप प्लस स्क्रीन में बना सकते हैं, ये सिंपल सा लुक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली गूगल क्रोम में ओपन करना है, कोई से भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। अब आपको टाइप कर देना है एपीजीडी न्यूज़ और सर्च कर देना है। अब आपको पहली वेबसाइट मिलेगी तो आपको उसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आपको दो पोस्ट देखने को मिल जाएगी, ये है एनिमेशन। अगर आपको एनिमेशन लगाना है तो आपको इसे ओपन कर लेना है, अगर आपको फ्लैश स्क्रीन लगाना है सिंपल सा तो ऐसे ओपन कर लेना है। तो मैं आपको पहले सिंपल सा फ्लैश स्क्रीन लगाना बताता हूँ, फिर आपको एनिमेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसने ऐसे ओपन कर लेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसने ये आपको कोड, तीन कोड है और आपको इसे कॉपी पेस्ट करना है। तो आपको कॉपी पेस्ट करने से पहले क्या करना है, आपको सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे इससे ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको अगर आपका डॉट मतलब कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट एपीकेडी न्यूज़ नहीं आ रहा, जो भी आपका यहाँ पे ऐप का नेम होगा तो यहाँ पर शो करेगा एपीकेडी न्यूज़ की जगह, मगर आपको यहाँ पे कॉम डॉट एग्जाम्पल नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गियर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको कम्पैक्ट बिल्ड मतलब पैकेज आपको ये टिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको जावा पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक्टिविटी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एमपीटी एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे नेम पूछेगा तो आपको ये नेम टाइप कर देना, सेम आपको यही टाइप करना है। अगर आप ये सेम नहीं टाइप करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको देखते हैं मैंने ए कैपिटल में लिख रखा है एक एक्टिविटी में और प्लस में एस कैपिटल है। तो यहाँ पर आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कोड डाउनलोड होगा। तो आपको पहले भी बता रखा है, जब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो चलाएं आपको इंटरनेट से जरूर कनेक्ट रहना है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिक ये कोड डाउनलोड कर देता है और वो एरर को सॉल्व कर देता है। तो यहाँ पर अभी भी मेरा कोड डाउनलोड हो रहा है तो मैं वेट कर लेता हूँ, डाउनलोड होने से डाउनलोड रहने देते हैं, जिसे डाउनलोड होने देते हैं। और आपको सीधा ब्राउज़र पे आ जाना है। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है पूरे प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाना है डॉट एक्सएमएल में, ये कोड कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ सीधा, यहाँ पे इसने मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है। तो यहाँ पे इसने कोड मेरा पूरा डाउनलोड हो गया, देख सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुल आ गया। अगर आपका ये आ जाता है मैसेज तब आपको कोड को पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ और आपको मैनिफेस्ट में जाना और एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल को फाइल को ओपन कर लेना है और जितना भी ये कोड है इसे आपको हटाना और ये जो कॉपी किया था आपने वो पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे इसने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपको। तो क्या करना, आपको सिंपली ये लोगो की जगह यहाँ पर आपको जो भी आपने लगा रखा था यहाँ पे इसने ड्रॉ बाइबल में फोल्डर में, मैंने यहाँ पे इसने जो मेरा आइकन है मतलब लोगो उसे मैंने डाउनलोड नाम से सेव किया है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं डाउनलोड आ गया। अब यहाँ पे इसने यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी सेलेक्ट कर देना, यहाँ पर मैं एक्टिविटी सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इसने ये हो गया हमारा, ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया याला, ये फोल्डर अब इसे कट कर देना है। अब आपको फिर से आना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे इसने एक्टिविटी फ्लैश डॉट एक्सएमएल में करना है। तो इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसने लेआउट तक कॉपी कर लेना है आपको और सीधा आपको चले जाना है एंड्रॉइड स्टूडियो में। और आपको क्या करना है, लेआउट में जाना है और आपको एक्टिविटी स्लैश यहाँ पे फ्लैश डॉट एक्सएमएल पे क्लिक करना है। डिज़ाइन होगा तो यहाँ पे इसने यहाँ पर आपको कोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसने ऐसा इंटरफेस होगा तो यहाँ कुछ क्लिक करना है और इरेज कर देना। अब यहाँ पे इसने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे इसने यहाँ पर आपको दो एरर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पहले में क्या करना है, यहाँ पे फ्लैश पहले आगे लिखा है तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी पहले लिखना है। तो यहाँ पे इसने जैसे लिखेंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इसने मैंने आपको बताया था लोगो यहाँ पे मैंने डाउनलोड नाम से सेव किया है। यहाँ पर मैं डाउनलोड लिखूँगा तो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा। यहाँ पे इसने जो भी आपने यहाँ पर अपलोड किया होगा इमेज वो शो करेगा। अब यहाँ पे इसने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको लास्ट कोड पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ और नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अब यहाँ पे इसने इम्पोर्ट से लेकर आपको यहाँ पे इम्पोर्ट से सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट से सेलेक्ट कर लिया और ये कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर आता हूँ और आपको जावा में जाना है। तो यहाँ पे इसने जावा पे हूँ
और एक्टिविटी फ्लिस्ट पे क्लिक करना है जावा में। अब आपको इम्पोर्ट से क्लिक करना, इम्पोर्ट से आपको इसे पेश कर देना। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले आपको एक्टिविटी आगे लिखना है, तो मैं इसे हटा देता हूँ और एक्टिविटी आगे लिख देता हूँ और फिर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे इसने कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टाइमिंग चेंज करने के लिए यहाँ पे देखते हैं, यू कैन चेंज द टाइम इज दिस प्लेस, इस प्लेस में आप टाइम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने ये मिली सेकेंड में, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड। अगर आपको 4 सेकेंड करना है तो 3 की जगह 4 कर देना। अब आपको मैं ऐप रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं आपको बिल्ड पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो सारे कोड है वो सही से वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई भी एरर शो नहीं कर रहा अभी, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा ऐप है वो लॉन्च हो गया। अब यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने डायरेक्ट ओपन नहीं हुआ, अब यहाँ पे इसने यहाँ पे आपका लोगो आ रहा है और यहाँ पे प्रोसेसिंग बाहर आ रहा है। तो ये है, तो यहाँ पे आप ऐसा इंटरफेस लगा सकते हैं। तो ये रहा एक सिंपल सा इंटरफेस। अब इसके बाद हम बात करेंगे एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आपको टाइमिंग चेंज करना है तो यहाँ पे इसने यहाँ पे आपको टाइमिंग के लिए यहाँ पे मैं जैसे 10 सेकेंड टाइम कर देता हूँ, मतलब 10 सेकेंड तक वेट करेगा स्क्रीन पर, फिर जाके रिडायरेक्ट करेगा आपको वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं ऑप्शन करके दिखाता हूँ और अब देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को लगेगा कि टाइमिंग लग रहा है, मतलब 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इसने, अब यहाँ पे मैं इसे स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसने आपको 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ही आप ऐप बना सकते हैं। सिंपली से आपको ऐप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जनरेट साइन बंडल APK में क्लिक करना है। तो आपको क्लिक करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये अपने यूट्यूब चैनल का ऐप बनाना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेन एक्टिविटी में जाना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इसने यहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक होगा, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक हटा के आपको अपने यूट्यूब चैनल ओपन करना है और एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है। एंड्रॉइड स्टूडियो के जाने के बाद आपको कस्टमाइजेशन पे जाना है और आपको बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे चैनल URL करके देखने को मिलेगा लिंक आपको चैनल का, उसे आपको कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल खुलेगा एकदम सेम। तो फिर अब बात करते हैं आप इसे APK में कैसे जनरेट कर पाएंगे। तो APK में जनरेट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया पुरानी वीडियो में, बिल्ड पे क्लिक करना है और साइन मतलब जनरेट साइन बंडल APK पे क्लिक करना है और APK पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको देखना है की स्टोर पास दे देना है, जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा था इसका क्या यूजेस होता है। अगर आपने वो वीडियो देखनी रखी है तो आपको जरूर देखनी, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अब यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ, इधर ही सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेव लिख दिया, मतलब नाम लिख दिया। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड दे देना है, यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पर आपको फिर से कंफर्म कर देना है, जो भी आपने यहाँ पर टाइप किया वही सेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं फिर से टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर आपको ये पासवर्ड याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता रखा है। इस पासवर्ड और इस की जगह, इस की वजह से आप अपने ऐप को अपडेट नहीं कर पाएंगे। अगर फ्यूचर में आप कभी भी अपने ऐप को प्ले स्टोर में पब्लिक कर रहे हैं, पब्लिक करने के बाद उसके बाद अगर आप कोई अपडेट करते हैं, तो अपडेट करने के लिए आपको ये पासवर्ड और आपको ये की जो मिलेगी ये संभाल के रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको नेम टाइप कर देना, मैं अपना नेम टाइप कर देता हूँ। आपको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टाइप करना है तो सेलेक्ट कर लेना, सिटी टाइप करना है तो स्टेट टाइप करना है कर सकते हैं। मैं कंट्री कोड टाइप कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना और रिलीज पे क्लिक कर देना और क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो ऐप है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी जो की है वो स्टोर हो गई हुई, तो अभी की मेरी जनरेट नहीं हुई है तो मैं वेट कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे ऐप क्रिएट हो जाएगा वैसे ही मेरी की भी जनरेट हो जाएगी। उस की को आपको संभाल के रखना है ताकि फ्यूचर में आप जब भी अपने ऐप को अपडेट करें तो आपको वो जरूरी लगेगी। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो मैं वेट कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे ऐप जनरेट हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे जिसने फाइनली यहाँ पे मेरा ऐप है वो जनरेट हो गया। अब आपको एरो पे क्लिक करना है और लोकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जहाँ पे भी APK जनरेट हुआ है यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। तो मैं इसे कट करता हूँ और इसे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसलिए मैंने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको मैं की दिखा देता हूँ जो मैंने की पेस्ट की थी, तो वो मेरी यूज़र प्रोफाइल में है। तो कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ और यूज़र पे क्लिक करता हूँ। यूज़र कहाँ पे है, ये है यूज़र, यूज़र पे क्लिक किया, देविन पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे आपको की देखने को मिल जाएगी APK करके, APK डी न्यूज़ नाम रखा था ये है, इसे भी मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये की मैं आपको मेन है की और ये पासवर्ड जो आपने टाइप किया था, इस की और पासवर्ड की वजह से ही आप अपने अपने ऐप को अपडेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपना ऐप बना सकते हैं।
तो अभी यहाँ पे मैंने इमेज वाला बताया और प्रोसेसिंग बार बता रखा है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप एनिमेशन लगा सकते हैं, जैसे कि आपको इस पोस्ट में देखने को मिल जाएगा ये एनिमेशन वाला, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा रोबोट वाला, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा। और यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे क्रिएटेड बाय, इसमें एबीडी वीडियोस लिखा है तो यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इसका मेरे चैनल प्रेस द बेल आइकन।